आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी से करूंगी और इस कहानी के थ्रू मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगी। बात है 2008 की। पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। यूएसए की इकोनॉमी रिसेशन की ओर खिंचती चली जा रही थी। लोगों के पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। स्टॉक मार्केट क्रैश से लेके अनएम्प्लॉयमेंट तक हर फ्रंट पे यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे में वहां के तब उनके हेड ऑफ फेडरल रिजर्व एलन ग्रीनस्पैन ने एक अनयूजुअल प्रोडक्ट को क्रूशियल इकोनॉमी इंडिकेटर के तौर पे आइडेंटिफाई किया। गेस करिए क्या? मेंस अंडरवेयर। जब हमारी टीम ने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो हमें ये काफी अम्यूजिंग लगा, मगर जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि एलन ग्रीनस्पैन के इस इकोनॉमिक इंडिकेटर के पीछे लॉजिक छिपा है। एलन की थ्योरी एक सिंपल आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है कि अंडरवेयर्स प्राइवेट और हिडन गार्मेंट्स होते हैं। ऐसे में जब मेन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो वो नए अंडरगार्मेंट्स खरीदना कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। आखिर किसे पता चल रहा है? मतलब कि मेन डोंट बाय अंडरवेयर्स ड्यूरिंग रिसेशन। गाइस, ऐसे कई वियर्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि गार्बेज इंडिकेटर, लिपस्टिक इफेक्ट, द शैंपेन इंडेक्स, बटर्ड पॉपकॉर्न इंडेक्स वगैरह वगैरह। आपने सुना होगा कि बिग मैक इंडेक्स को इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देखने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से अब अंडरवेयर इंडेक्स भी एक पॉपुलर येट अनकन्वेंशनल मेट्रिक की तरह यूज होने लगा है। अंडरवेयर इंडेक्स एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो अंडरवेयर की सेल्स को मेजर करता है। फिर इस डेटा को एक्सट्रापोलेट करके इकोनॉमिस्ट और मार्केट ऑब्जर्वर्स कंट्री की परचेजिंग पावर का अंदाजा लगाते हैं। अगर अंडरवेयर सेल्स बढ़ रही हैं तो ये देश की इकोनॉमी में ग्रोथ का इंडिकेशन दिया जाता है, और अगर ये इंडेक्स डाउन है तो ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी वीक फुटिंग पर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नया और इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में यस टाइप करके बताइए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो अंडरवेयर सेल्स वॉल्यूम का डेटा इंकरेजिंग नहीं है। क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2022 में अंडरवेयर सेल्स 55% से नीचे गिर गई थी, और अगर अंडरवेयर सेल्स फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन का एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन अंडरगार्मेंट्स मार्केट की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स की। अब तो आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात करूंगी पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, स्टॉक परफॉर्मेंस, पेज इंडस्ट्रीज के की फाइनेंशियल्स, स्टॉक के अंडर परफॉर्म करने के पीछे के रीजंस, पीयर कंपैरिजन और मैनेजमेंट कमेंट्री। तो आइए शुरू करते हैं। पेज इंडस्ट्रीज एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसी कंपनी है जो कि जॉकी इंटरनेशनल इंक और स्पीडो इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई में अंडरगार्मेंट, स्विमवेयर वगैरह मैन्युफैक्चर सेल करती है। यानी कि इन कंट्रीज में पेज इंडस्ट्रीज के अलावा कोई और जॉकी और स्पीडो के ब्रांड्स ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इनकी प्रेजेंस इतनी सारी कंट्रीज में है तो सही, मगर पेज के 99% रेवेन्यूज इंडिया यानी कि डोमेस्टिक मार्केट से ही आते हैं। पेज इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल और रिटेल दोनों चैनल से बेचती है। पेज का फ्लैगशिप ब्रांड जॉकी प्रीमियम इनोवेयर में लीडरशिप पोजीशन रखता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 2850 प्लस टाउन्स एंड सिटीज में 1.18 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा जॉकी के 1200 प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी हैं। इवन स्पीडो ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी 1180 प्लस स्टोर्स और 28 ईबीओज में प्रेजेंट हैं अक्रॉस 90 प्लस सिटीज। इसके अलावा पेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, Myntra, Flipkart, Nykaa etc. पे भी अपने ब्रांड सेल करती है। पेज इंडस्ट्री शेयर परफॉर्मेंस। आइए अब बात करते हैं आज के वीडियो के मेन मुद्दे की, यानी कि पेज इंडस्ट्रीज की स्टॉक परफॉर्मेंस। 1994 में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद विद इन 4 इयर्स 1998 में पेज इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल हो गई थी। उसके बाद 2007 में इन्होंने अपना आईपीओ लाया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। कंपनी ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 26% CAGR के इम्प्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। इवन लास्ट 3 सालों के भी रिटर्न CAGR 33% के हैं। लेकिन इस मल्टी बैगर स्टॉक ने पिछले कुछ समय से स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 ईयर में पेज का स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, और अगर आप पिछले 7 से 8 महीनों की कहानी देखें तो उसमें आपको दो फेजेस दिखेंगे।
अक्टूबर 2022 से लेके मिड मार्च 2023 तक कंपनी ने -33% रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि कंपनी का स्टॉक प्राइस 2/3 हो गया। लेकिन उसके बाद से अभी तक पेज ने रिकवरी शो की है और ऑलमोस्ट 20% बढ़ चुकी है। ओवरऑल पिछले एक साल में सभी इंडियन इनोवेयर कंपनी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है। रूपा एंड कंपनी के शेयर 46% से और लक्स इंडस्ट्रीज के 28% से डाउन है। तो चलिए अंडर गार्मेंट स्टॉक्स और स्पेशली पेज के स्टॉक में चल रही अंडर परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं कि क्या उनमें हमें कोई इशू हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। पेज इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल्स देखिए, लॉन्ग टर्म में तो पेज इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रेट्स काफी इंप्रेसिव रहे हैं, विद अ 10-year CAGR ऑफ 19% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। इवन लास्ट 5 एंड 3 इयर्स में भी सेल्स 13% एंड 11% CAGR से और प्रॉफिट्स 15% एंड 12% CAGR से ग्रो हुए हैं। कंपनी के डेटर डेज भी काफी लो हैं एट ओनली 16 डेज, जो इंडिकेट करता है कि उनके पास तुरंत ही अपने ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट करने के लिए कैश आ जाता है। डेटर डेज का मतलब है कि किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर्स से पेमेंट रिसीव करने में एवरेज कितने दिन लगते हैं। ये नंबर जनरली जितना कम हो उतना बेटर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन अगर हम कंपनी की इन्वेंट्री डेज देखें तो वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 160 डेज से फाइनेंशियल ईयर 22 में 208 डेज तक शूट अप हो गए हैं। मतलब कि कंपनी को अपने इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और ये इंक्रीजिंग इन्वेंट्री का ट्रेंड फाइनेंशियल ईयर 23 में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। एज ऑफ सितंबर 2022 कंपनी की इन्वेंट्रीज अपने मल्टी ईयर हाइज पे हैं, जो इंडिकेट करता है कि डिमांड वीक है और शायद इसी कारण से ना सिर्फ पेज बल्कि उसके पीयर्स ने भी स्टॉक मार्केट में पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है। खैर ये तो इंडस्ट्री वाइड इशू हो गया, अब पेज से जुड़े स्पेसिफिक इशूज को देखते हैं। पेज इंडस्ट्रीज व्हाट्स ट्रबलिंग देम, हम तीन ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो शायद पेज इंडस्ट्रीज के बिजनेस के सामने एक चैलेंज बन के खड़े हैं। सबसे पहला हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 15.8% थे, जो कि ईयर ऑन ईयर 230 बेसिस पॉइंट से कम हुए हैं और मल्टी क्वार्टर लोस पे हैं। मार्जिन में हुए इस फॉल के पीछे के रीजंस हैं हाई कॉस्ट इन्वेंट्री, एम्प्लॉय कॉस्ट और इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एक तरफ मैनेजमेंट मार्केट में चल रहे इंटेंस कॉम्पिटिशन के चलते प्राइस हाइक्स नहीं करना चाहता है और दूसरी तरफ कंपनी ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बढ़ा रही है। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन के चलते पेज की करंट इन्वेंट्री रिलेटिवली हायर कॉस्ट पे है, जो अगेन उनके मार्जिन को अफेक्ट कर रहा है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में फ्लश आउट हो जाएगी, जिसके बाद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं। याद है हमने यही एग्जैक्ट हाई इन्वेंट्री इशू रिलैक्सो फुटवेयर के केस में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर चेक करिए। एनीवे, मैं वापस से आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। रिलैक्सो और पेज जैसी कंपनीज जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट्स को कैटर करती हैं, उन्हें एक अच्छी खासी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। अब अगर ऐसे में रॉ मटेरियल प्राइसेस में सडन डिक्लाइन होता है तो उनके लिए कस्टमर्स को कम प्राइसेस पे इन्वेंट्री सेल करना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में जब तक उनकी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती उनके मार्जिन्स पे प्रेशर बना रहता है। नेक्स्ट फैक्टर है ARS यानी कि ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में पेज इंडस्ट्रीज की वॉल्यूम्स में 11% ईयर ऑन ईयर की गिरावट देखने को मिली थी। अब इसका एक रीजन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो कि है वीक डिमांड, मगर एक और कारण है ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम यानी कि ARS। ARS एक ऐसा ऑपरेशन है जहां मान लीजिए अगर किसी आउटलेट में दो पैजामे की सेलिंग होती है तो एक ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट हो जाता है उस स्टॉक को फिर से फुल करने का। इससे कभी भी जॉकी या स्पीडो का कोई भी आइटम आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहता। पर ARS का पेज इंडस्ट्रीज की वॉल्यूम डीग्रोथ से क्या लेना देना? देखिए, पैंडेमिक के दौरान प्रोडक्ट डिमांड मिक्स में चेंज और सप्लाई चेन बॉटलनेक्स की वजह से पेज इंडस्ट्रीज को ARS को पॉज करना पड़ा था और डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रीडम थी कि वो अवेलेबिलिटी बेसिस पे और अपने जजमेंट के बेसिस पे इन्वेंट्री ऑर्डर्स प्लेस करें। अब इससे हुआ ये कि पेज की इन्वेंट्री में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगा। ऐसी कई कैटेगरीज थी जहां पे इन्वेंट्री एक्सेस थी और उन्हें इस एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर आउट करने पे फोकस करना पड़ा। मैनेजमेंट का मानना है कि अभी भी सिस्टम पूरी तरह से
इस एक्सेस इन्वेंट्री को फ्लश आउट नहीं कर पाया है और फाइनेंशियल ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर में भी इसका ओवरहैंग रहेगा। और फिर अब इकोनॉमी दोबारा खुल चुकी है, लोग घर से बाहर जाने लगे हैं, तो जायज है कि कंफर्टेबल पजामाज और टी शर्ट्स की डिमांड तो हिट होगी ही। और लास्ट रीजन है कंपनी की हाई वैल्यूएशंस। पेज इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस पिछले कई सालों से हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था विद अ 10 ईयर मीडियन पीई ऑफ ऑलमोस्ट 70 टाइम्स। और फिर 2020 और 2021 के फर्स्ट हाफ तक तो पेज का पीई 100 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया था। अब माना है कि कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ स्टॉक्स स्टीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन जब ऐसे स्टॉक्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते तो उनके शेयर प्राइस पे प्रेशर आता ही है, और यही हुआ है पेज के साथ भी। लेकिन अब जब हम वैल्यूएशंस की बात कर ही रहे हैं तो लाजमी है कि हम पेज इंडस्ट्रीज को उनके क्लोज कंपेटिटर्स से रिलेटिव वैल्यूएशन मेट्रिक के बेसिस पे एनालाइज करें, साथ ही हम उनके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। पीयर कंपैरिजन, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू सेल्स जैसे मेट्रिक्स के बेसिस पर अगर हम पेज इंडस्ट्रीज को उनके कंपेटिटर्स लक्स और रूपा से कंपेयर करें तो मार्केट ने क्लियरली पेज इंडस्ट्रीज को हैवी प्रीमियम दिया हुआ है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे कि आरओसी एंड आरओई देखें तो पेज इंडस्ट्रीज बाकी दोनों कंपनीज के कंपेरिजन में स्ट्रीट्स अहेड है। चलिए अब देखते हैं कि पेज के मैनेजमेंट इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाने को देख रही है। पेज इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट कॉमेंट्री, पेज इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट चैलेंजेस से वाकिफ है और उनका फोकस अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने पे है। पेज इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का प्लान बनाया है और वो वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर और एथलीजर सेगमेंट्स में भी फोकस कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो अब स्पोर्ट्स और फिटनेस से रिलेटेड क्लोथिंग को भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, जो कि आजकल वैसे भी एक पॉपुलर कैटेगरी उभर के आई है। साथ ही अब वो अपनी रॉ मटेरियल सोर्सिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे मार्जिन्स को इम्प्रूव किया जा सके। पेज इंडस्ट्रीज ने अपने रॉ मटेरियल सोर्सिंग में वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है, वो अपने फैब्रिक और इलास्टिक को खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उन्होंने अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ARS को रीस्टार्ट कर लिया है, जिससे उनके ऑपरेशंस और स्टॉक्स ऑटोमेट हो जाएंगे। तो ये था पेज इंडस्ट्रीज की रीसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस का एक डिटेल्ड एनालिसिस। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पेज इंडस्ट्रीज और इस इंडस्ट्री इन जनरल के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.